हाँ तो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अपने पास एन चार्ज पार्टिकल है, वो वर्टिसेस पे रखे हुए हैं जिसकी साइड लेंथ है बेटा ए, ना। तो पहले क्वेश्चन को देखो, उसने बोला कि अगर एक एक करके चार्ज पार्टिकल को रिलीज़ किया जाए, यानी अगर फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को रिलीज़ किया जाए तो जब वो चार्ज पार्टिकल इन्फानाइट पर पहुँचेगा तब दूसरा चार्ज पार्टिकल रिलीज़ किया जाएगा। तो जो पहले चार्ज पार्टिकल रिलीज़ किया गया उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, जब दूसरा चार्ज पार्टिकल रिलीज़ किया उसकी काइनेटिक कुछ एनर्जी होगी। तो उन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो उन्होंने दे रखा है कि इन्फिनिटी पे पहुंचने पे। तो हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा हुआ है ना। तो भाई इसमें जैसे मान लो कि तुम्हारे पास पॉलीगन की बजाय हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्केयर है ना। तो स्केयर के बेटा एडजेंसन पे चार चार्जेस रखे हुए हैं, क्यों? अब ये जो पहला चार्ज है ये पहली बार कहाँ गया? इन्फिनिटी पे, है ना। तो जब ये इन्फिनिटी पे गया तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मान लेते हैं कितनी है, के ई वन, है ना। तो ज़रा मुझे बताओ कि इसमें अपने को टोटल एनर्जी कंजर्व कर देनी है। टोटल एनर्जी कंजर्व कर दोगे तो दोनों साइड तुम्हें टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर टोटल फाइनल एनर्जी कर देना है। इनिशियल इनिशियल में बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या वो तुम 2KQ² / KQ² / √2A लिख दोगे? इक्वल टू फाइनल पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होगी, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे पहुंच चुका है, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिख दूँ? काइनेटिक एनर्जी 1, है ना। वैसे मुझे बताओ कि जब दूसरा चार्ज पार्टिकल, है ना, दूसरा चार्ज पार्टिकल जब ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ से इन्फिनिटी पे जाएगा ना, तो ये तो चला ही गया, इसको तो हटा ही दो ना। यानी अब अपने पास क्या बचा हुआ है? केवल केवल एक ही चार्ज पार्टिकल, एक तो चला चुके जा चुके और एक जाने वाला है, ये जा रहा है इन्फिनिटी पे। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? KE2 ना। तो अगर मैं अब यहाँ पे टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल करूं बेटा, तो अब ज़रा मुझे बताओ कि अब यहाँ पे फिर से तुम इसकी एनर्जी लिखोगे तो तुम लिखोगे KQ² / KQ² / √2A। जब ये फाइनल पे पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी 2। अब ये इन दोनों ने काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 इन दोनों का माइनस करके बेटा उसने दे रखा है K, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये इक्वेशन 2 और वो इक्वेशन 1, इन दोनों को माइनस करोगे तो बेटा यहाँ बचेगा KQ² / A = K। तो इसका मतलब Q का आंसर अपने पास आएगा अंडर रूट में 4π ε0 K, है ना। ये A उधर जाएगा, ये 1/4π ε0 होगा, तो ये अपना आंसर होगा। आंसर बेटा वो अपने पास कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा बेटा फर्स्ट।